अगर आप जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं तो आप सचेत हो जाएं, क्योंकि यहां के दोनों टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आइसोलेट कर दिया गया है, जिससे जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन की व्यवस्था ठप हो गई है। इस संबंध में SIC डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे दोनों टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट है, वहीं दूसरे टेक्नीशियन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन मेडिको लीगल के मामले आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य को सूचित कर दिया गया है, जल्द ही इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SIC डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने कहा, सीटी स्कैन की सेवा इसलिए बाधित हो गई है कि हमारे जो सीटी स्कैन करने वाले प्रशिक्षित डॉक्टर दोनों लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसमें से एक आदमी, एक डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं और दूसरे डॉक्टर जो है होम क्वारंटाइन पर है। इसकी वजह से कोई सीटी स्कैन प्रशिक्षित डॉक्टर न होने की वजह से सीटी स्कैन बाधित है। जैसे ही वो लोग जो हैं अपने बीमारी से जैसे ही आएंगे, वैसे ही ये चीज़ें जो है चालू हो जाएंगे, फिर से पूर्ववत की तरह से चालू हो जाएंगे। सर, कितने मरीज पर डे सीटी स्कैन करा रहे होंगे? अब करा रहे होंगे हम लोग, कितने डेली कितने पेशेंट जो आ रहे होंगे जिला अस्पताल में? अब ज़्यादातर जो है, जो इस वक्त तो थोड़ा सा पेशेंट भी जो है हैं, बाहर के भी आते हैं, मेडिकल लीगल वाले ही दो चार हैं, वो उन्हीं के जिला में भेजा जाता है। और हमने जो है अपन निदेशक साहब को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि अगर किसी की कहीं से व्यवस्था हो जाए तो अगर हमारे पास कर दें तो हम फिर से सेवा बहाल कर देंगे।